गुड इवनिंग रायपुर, मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर के शो सिटी बस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं अंबुजा मॉल में आई हूँ, रायपुर के अंबुजा मॉल में आई हूँ, जहाँ पे मिस और मिसेस रायपुर का ऑडिशन चल रहा है और हम यहाँ पे आए हैं ऑडिशन देखेंगे और यहाँ के जजेस से बात करेंगे, यहाँ के इवेंट मैनेजर से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ का ऑडिशन देखते हैं और ये सभी लोगों से बात करते हैं। आइए जूही जादवानी। एंड व्हाट्स योर नेम? आई एम अनुश्री शर्मा। ओके जूही एंड अनुश्री, आपसे हम सबसे पहले पूछेंगे कि आपका एम क्या है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले आप हमें एम बताइए अपना। मेरा एम है खुद की अपनी पहचान बनाना, अपने पेरेंट्स का स्पेशली नाम रोशन करना, सबसे ज़्यादा बड़ा एम मेरा वही है। ओके और आपका? मेरा एम है कि मैं एज ए लीडर, एज अ मोटिवेटर दुनिया के सामने आऊं और लोगों को इंस्पायर करूं सो दैट वो अपने पिंजरे से बाहर निकले एंड लीव द वर्ल्ड। ओके सो नाइस। तो यहाँ पे कितने कैटेगरीज हैं फिर इवेंट में? यहाँ पे बेस्ट स्माइल, आईज एंड फिटनेस और एक्सेट्रा। तो आपको क्या लगता है आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हो? मेरे ख्याल से अगर मुझे मिस रायपुर का मिलता है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं भी मिलता है इट्स ओके, कोई कैटेगरी होगी तो स्माइल के लिए आई थिंक सो। आपको लगता है आपका स्माइल अच्छा है? बहुत रियली बहुत अच्छा है आपका स्माइल। और आप किस कैटेगरी में फिट बैठती हैं? आई बिलीव बेस्ट आईज आर बेस्ट हेयर, मे गिव इट चांस, बट अगर मिस रायपुर मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, आईज़ और हेयर भी चलेगा। ओके दोनों अच्छा है। ओके तो आप लोग मुझे बताइए कि मतलब इस इवेंट का आप अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका आगे क्या फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अपनी पहचान है जिससे मतलब सब खुश हो सकते हैं, लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं। पहचान बनाने के बाद आप क्या करना चाहती हैं और आगे, जैसे एक्टिंग करना चाहते हो समथिंग लाइक दैट? सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ, एज अ लीडर बन के उभरना चाहती हूँ, एक्टिंग फील्ड भी आजमा लेना चाहती हूँ अगर मौका मिले तो, कोई भी अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए। ओके दैट्स नाइस। अच्छा आप हमें बताइए आपको आपको क्या लगता है आप कहाँ तक जाएंगी, फाइनल राउंड तक? होप सो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आप हमें यहाँ बता सकते हैं कि जजमेंट का आपका क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे जज करते हैं कंटेस्टेंट को? देखिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट है और इसमें ये सिर्फ मॉडलिंग नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मेन इसका स्लोगन है, थीम है, तो हम इसमें बहुत सारी कसौटी भी उतारते हैं यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ड्रेसिंग सेंस होता है, उनके चलने का ढंग होता है, उनके क्विक आंसर्स क्या देते हैं, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, और सबसे पहले सबसे मेन ये होता है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या सोचते हैं और आज इस प्लेटफॉर्म में क्यों आए हैं। ये बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है, अलग ड्रेसिंग सेंस पे अलग मार्क्स मिलते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर पे अलग मार्क्स मिलते हैं, उनके स्माइल पे अलग स्माइल पे अलग मिलते हैं, उनके जो ड्रेसअप है उस पे अलग मिलेगा, उनके मेकअप पे अलग मिलेगा, यहाँ तक कि उनके नेल से लेके उनके हेयर स्टाइल तक हम अलग अलग पे उनको मार्किंग दे रहे हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा जो पार्टिसिपेंट हो, जो 100% इसको डिज़र्व करता है, उसी को हम ये जो भी अवार्ड्स हैं उससे नवाजा जाएगा। I'm fine. सर आप हमें सबसे पहले इस इवेंट के बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या इवेंट चल रहा है, क्या इवेंट है? ये मिस एंड मिसेज रायपुर का कंपटीशन है
और ये एक कॉम्पटिशन नहीं है, बेसिकली ब्रेन एंड ब्यूटी का एक हम संगम रख के एक पैकेज होता है उसको एक नवाजते हैं। इस इवेंट की जो थीम है वो है सेव गर्ल चाइल्ड और चाइल्ड मैरिज अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हम इसको करते हैं। ये 8 साल से हम इवेंट कराते आ रहे हैं, ये 9वां साल है हमारा। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से मिसेज एशिया इंटरनेशनल और मिसेज इंडिया तक जो है मिसेज पार्टिसिपेंट्स गई हैं। मिस में कई ऐसी हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ से जीतने के बाद जिन्होंने नेशनल लेवल पर अपना परचम लहराया है। इसके अलावा यहाँ पे आज हमारा पहला ऑडिशन था और पहला ऑडिशन में हमने देखा कि इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स आए हैं कि हमें उनका सिलेक्शन करना ही बड़ा मुश्किल जा रहा है। हमारे जजेस भी यहाँ थे, हमारे जजेस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ही यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑडिशन के सिलेक्ट करके 38 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे लिया है। और इसके अलावा हम सिर्फ ब्यूटी को ही यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम साथ में चाह रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन एक हमारा है, एक हमारा इंट्रोडक्शन राउंड है, एक हमारा उनके हॉबीज़, यदि वो हॉबीज़ बताते हैं तो उसके हॉबीज़ को लेके हम सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि वो कितने अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। हम यहाँ 2 दिन की ग्रूमिंग भी रखेंगे, उसके बाद सेमीफाइनल और वे फाइनल 6 तारीख को हम अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ टॉप न्यूज़ को भी कि वो हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, और निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़रूर फाइनल और सेमीफाइनल में भी यहाँ पे आइए तो आपको बहुत अच्छा रायपुर का टैलेंट, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का टैलेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या, आप हमें बता सकते हैं? इस इवेंट में पार्टिसिपेशन करने का प्रोसीजर है, हम लोगों ने पेपर्स में और अंबुजा मॉल के हेल्प डेस्क पे फॉर्म्स रखे हुए हैं, पेपर्स के थ्रू हमने नंबर दिए हुए हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं प्रिया, आप प्रिया को फ़ोन कर सकते हैं और प्रिया रजिस्ट्रेशन कर रही है, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम आपका ऑडिशन लेंगे, यदि आप सिलेक्ट होंगे तो आप क्वार्टर फाइनल में जाएंगे। ओके सर, तो जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, एक मिनिमम एज हमने मिस के लिए मिनिमम एज है 16, मैक्सिमम एज मिस का कोई नहीं, मिसेज के लिए मिनिमम एज है 21 और 21 के बाद एज लिमिट नहीं है, मिसेज कोई भी कर सकती हैं यदि वो समझती हैं कि वो पार्टिसिपेशन करके खिताब जीत सकती हैं, दे आर वेलकम। ओके, तो सर फाइनल राउंड जो है वो 6 को है और अभी इसके पहले और कितने राउंड्स होने हैं, बचे हैं? हाँ, अभी आज पहला ऑडिशन है, कल सेकंड ऑडिशन है, उसके बाद क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फिर फाइनल। मतलब हमारे ऑडियंस अगर आना चाहें पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो कल आ सकते हैं? ओके, थैंक यू सर। वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट कल 4 बजे अंबुजा मॉल में बिग बाज़ार के बाजू में FBB का बोर्ड लगा हुआ है, उधर पे ही हॉल में हमारा ऑडिशन। मैंने यहाँ के इवेंट मैनेजर से बात की, उन्होंने उनका कहना है कि आप अभी आ सकते हैं ऑडिशन के लिए, कल शाम तक के आपके पास टाइम है, तो आप भी आइए और यहाँ के इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए और मिस और मिसेस रायपुर बनने का आपके पास चांस है, तो लेट मत कीजिए, जल्दी आइए। और आपके लिए हम ऐसे ही अपडेट्स लेके आते रहेंगे, रायपुर में जो भी इवेंट्स होंगे उनके अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।